नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हो टिकने इंडिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं क्रॉम्पटन कंपनी का ये फोर फैन, जो फोर ब्लेड का फैन है, उसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो इस फैन की बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छा फैन है, मैंने इसको परचेस किया है और ये मिनी फैन है फोर ब्लेड का, जो कि आप किचन में लगाते हैं या बालकनी में लगाते हैं ज़्यादातर लोग, या आपकी छोटा ऑफिस रहेगा या छोटा रूम रहेगा तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो, और ये हाई स्पीड का फैन है। तो आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ, ये फैन किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ये क्रॉम्पटन कंपनी का फैन है दोस्तों, काफी इसका जो कलरिंग है काफी अच्छा है दिया हुआ है इसमें, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा। और ये आप देखेंगे तो ये एंटी डस्ट फैन है, इसमें आपको नॉर्मल फैन की तरह से भी आप इसको 50% इसको डस्ट कम चिपका चिपकता है, मतलब एंटी डस्ट फैन है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो एंटी डस्ट फैन है। और इसका जो नाम है दोस्तों आरा प्राइम 600 mm का ये फैन है। तो ये कुछ इस तरह से आपको सामने से देखने को मिल जाता है, और आप इस तरफ देखेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल फैन रहता है वो किस तरह से रहता है, कितना इसको डस्ट चिपकता है अगर आप डस्ट इसके ऊपर डालेंगे तो मिट्टी, और जो ये वाला फैन है इसमें आप कितना लेस इसमें डस्ट चिपकता है। तो आपको इसको बार बार क्लीन करने की जरूरत नहीं, और एक बार आप आराम से इसको क्लीन कर दिया दोस्तों गीले फटके से तो भी ये आराम से क्लीन हो जाएगा। तो आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताता हूँ। और इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है आप देख सकते हो, यहाँ पे फैन मोटर मिलेगा, फिर आप यहाँ पे ब्लेड्स भी मिलने वाले कुछ, और इसका जो फिटिंग कास्टिंग भी आपको इसको मिलने मिलेंगे। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फीचर की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ब्लेड्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, बॉडी विथ एंटी डस्ट क्लोटिंग, मतलब इसका कलर जो निकाला एंटी डस्ट है। तो इस तरह से कुछ और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं। और इसके जो एमआरपी की बात करें दोस्तों, ये 3,110 रुपये का एमआरपी है, लेकिन आप इसको मार्केट में परचेस करेंगे तो आपको करीब मतलब 2,800-2,900 तक मिल जाता है। इसका लिंक मैंने भी अमेजन का आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वैसे भी आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है आपको ये खोलने के बाद, इसके अंदर एक आपको ये देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो दो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, ये जो एक नीचे लगता है और एक ऊपर लगाने का आपको एक कप मिलता है। आप देख सकते हो ये काफी अच्छा क्वालिटी दिया है, एक कुछ इस तरह से लगेगा आपका आप देख सकते हो, और एक नीचे लगेगा और इसके अंदर जल्दी जाएगा। और ये जो पूरा मटेरियल है दोनों का ये प्लास्टिक दिया हुआ है, काफी अच्छी बात है, लेकिन प्लास्टिक होने के कारण ये मतलब हेवी नहीं है, नॉर्मल है, और इसको जंग भी लगाने की चांसेस काफी कम है। तो काफी अच्छा ये प्लास्टिक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉम्पटन का लोगो भी आपको दिया हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मेरा एक बिल है ऑलरेडी, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके वारंटी कार्ड भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये वारंटी कार्ड आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो वारंटी दिया है कंपनी ने 2 साल का वारंटी है इसका। तो ये वारंटी की बात करें तो होम डिलीवरी मतलब घर में आके इसको रिपेयर करके जाते थे कंपनी का आदमी। तो इसका जो कंपनी का आदमी आके आपको घर पे रिपेयर करके जाएगा, तो ये इसका वारंटी कार्ड है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको स्क्रूज मिलेंगे जो कि आपको इसको फिटिंग के लिए लगने वाले हैं, तो ये स्क्रू भी इसमें दिए हुए आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे ये है दोस्तों फैन के उसके ब्लेड्स, तो अभी हम लोग देखेंगे ये फैन के ब्लेड्स किस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसमें ये फोर ब्लेड का फैन होने के कारण इसमें आपको फोर ब्लेड देखने को मिलेंगे, और ये मिनी फैन है। तो मिनी फैन की बात करेंगे दोस्तों तो मिनी फैन में आप देखेंगे तो छोटा छोटा ब्लेड्स रहता है, आप नॉर्मली अपने घर में जो 3 ब्लेड का फैन रहता है उसका जो ब्लेड्स रहते हो आपके बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा है इसको मतलब जो कलरिंग है काफी अच्छा दिया है। डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिजाइन भी इसमें आपको दिया हुआ मिलता है, पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा फैन है। तो इस तरह से आपको 4 ब्लेड यहाँ पे दिए हुए मिलते हैं, तो इसको हम लोग अपनी साइड पे रखते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है ये है कि रॉड, ये जो आपको सीलिंग पे लटकाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको करीब ये 1 फुट से 1 फुट का फैन है ये, मतलब 1 फुट का ये रॉड आपको दिया हुआ मिलता है, तो इससे आप अपना फैन को सीलिंग पे लटका सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है जो कि है इम्पोर्टेंट इस जो फैन है इसका इम्पोर्टेंट सबसे मॉडल, ये है इसका मोटर। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे थर्माकोल में इसको पैकिंग किया है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे एक आपको प्लास्टिक का थैली में रैप करके दिया हुआ मिलता है, तो इसको निकालेगा आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा दिया हुआ है, आप देख सकते हो नीचे से पूरा एक मग की तरह आपको पूरा यहाँ पे गोलाकार
इसका बना गया है वो काफी मतलब नॉर्मल फैन है, उससे काफी स्लिम फैन है आप जैसे तो। और इसकी मोटर की बात करें दोस्तों तो काफी मोटर है, एक बार इस तरह से आप घुमा दे एकदम स्मूथली घूमता है। इसका बेयरिंग काफी अच्छा दिया हुआ है आप देख सकते हो। और यहाँ पे चार ब्लेड्स लगाने के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे चार ब्लेड्स आप लगा सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे जगह पे दिया है। मैं इसको आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा। और ये इसका एक कैपेसिटर है इस मोटर का, फैन का। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्टर दिया है इस फैन को अपने पावर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो एक बार आप देखिए दोस्तों किस तरह से लेनोवो मिल जाता है, काफी अच्छा इसका मोटर है, डिजाइन काफी अच्छा है। आप इसको सीलिंग पे लटकाने के बाद काफी बहुत ही बढ़िया फील देगा आपको, और देखने में काफी अच्छा लगेगा। और ये काफी हेवी है दोस्तों, मतलब एक अच्छा मोटर इसने बना के दिया हुआ है। तो अभी हम लोग दोस्तों इसको फिटिंग करके मैं बताता हूँ किस तरह से दिखता है, देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे मैं चार ब्लेड अटैच करूंगा, फिर आपको बताता हूँ ये किस तरह से देखने को मिल जाता है फैन। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है इस तरह से पूरा फैन, इसका चार ब्लेड्स मिलता है, दो यहाँ पे कप्स मिलते हैं आपको जो कि आपको यहाँ पे रॉड पे अटैच करने रहते हैं। उसके बाद आपको एक रॉड मिलता है आपको सीलिंग पे लटकाने के लिए फैन को। और उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट मोटर मिल जाता है, उसके साथ साथ ये आपको फिटिंग का स्क्रू मिल जाता है। इतना सारा दोस्तों इस पूरा सेट में आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा फैन है दोस्तों। आप परचेस करना है तो आप कर सकते हो, मैंने इसको काफी यूज करने के बाद आपको बता रहा हूँ, काफी अच्छा फैन है ये। और आपको मतलब हवा काफी स्पीडली देता है और हाई स्पीड का फैन है ये। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका फिटिंग किस तरह से आपको करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये एक आपको रॉड मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पहला इस स्क्रू को आपको निकाल देना है। इसको निकाल देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फिट करना है, ये वाला जो होल दिख रहा है ये इस स्क्रू के सामने आ जाएगा। तो पहला आपको इस तरह से लगा के लेना है यहाँ पे देख सकते हो, और इसके अंदर ये स्क्रू डाल देने का पहला, तो ये रॉड को फिक्स कर देगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। और जो आपका इसका जो फैन का जो केबल है वो इसके अंदर से आ जाने वाला है, तो आप इसके अंदर से इस केबल को पहले डाल के लेना पड़ेगा आपको। जो ऊपर वाला सीलिंग पे केबल आता है इसके अंदर से आपको डालना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले आपको फिटिंग करने के लिए बताता हूँ नॉर्मली किस तरह से किया जाता है। तो ये स्क्रू को आपको पहले आप फिक्स कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये अगर कैप्स डालना है तो आप कैप्स जो नीचे वाला कैप है वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा छोटा वाला, तो आपको इसके अंदर से डाल देना है इसको। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाता है दोस्तों, इसमें ये ऐसा कैप्स रहेगा। फिर आपको ये जो ऊपर वाला है प्रॉम्प्टर अंदर लिखा हुआ है ये आपको ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कुछ ये इस तरह से मोटर बन जाता है पूरा। आप देख सकते हो पूरा इस तरह से मोटर बनेगा और ये इस तरह से घूमेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको सीलिंग पे ये अटैच होगा फैन। आप देख सकते हो कितना अच्छा घूम रहा है, देखो ये कुछ इस तरह से घूम जाता है। और यहाँ पे ऊपर वाला कैप है, नीचे वाला कैप है। अभी हम लोग इसको ब्लेड्स अटैच करके मैं आपको बताता हूँ ब्लेड्स किस तरह से अटैच करना है। ब्लेड अटैच करना काफी सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पे दो स्क्रू दिया हुआ है। और इसका जो आप देखे जो ये जो कॉपी कलर का इसका जो प्लास्टिक लगा है डिजाइन, तो ये आपको नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये आपको कुछ समझो इस तरह से लगने वाला है। तो अभी मैं आपको इसको फिट करके बताता हूँ। तो आप देखे तो दोस्तों कुछ इस तरह से फिटिंग हो जाता है फैन। मैंने यहाँ पे चार ब्लेड्स को अटैच कर दिया है और इसको आप घुमाएंगे दोस्तों तो काफी अच्छी तरह से आपको ये हवा दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये फिटिंग किया जाता है क्रॉम्पटन का एंटी डस्ट फैन। तो ये फोर ब्लेड का मिनी फैन है दोस्तों। इसका आप बड़ा फैन लेंगे जो कि बड़े ब्लेड्स का आता है, उसका भी प्राइस आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। इसका जो मोटर है वो सेम ही रहता है, बस ये जो इसका ब्लेड्स लगे हुए उसमें आपको तीन देखने को मिल जाता है, और प्राइस की बात करें तो सेम ही रहता है। तो प्लास्टिक का काफी अच्छा है। उसके बाद इसकी मोटर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे एक कनेक्टर दिया है, एक तो आपको पावर देने के लिए ये वाला कनेक्टर है। और ये कुछ ब्लेड्स इस तरह से आपको चार ब्लेड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद
इसको लटकाने के लिए सीलिंग के ऊपर यहाँ पे कुछ स्क्रूज दिए हैं, उसका जो मटेरियल है स्क्रू का वो, और एक ये नीचे वाला कप दिया है जो कि आपका छोटा कप है, ये आप नीचे लगेगा। और बात करेंगे ये वाला कप की, तो ये वाला कप यहाँ पे इस तरह से कुछ ऊपर लगने वाला है, तो ये इस तरह से रहता है। और रॉड देख सकते हो आप, ये 1 फिट का रॉड दिया है और काफ़ी अच्छा ग्लॉसी फिनिश इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम नीचे की बात करें दोस्तों, ये किस तरह से देखने को मिल जाता है आप देख सकते हो। इसका जो मोटर है काफ़ी राउंड ही इसमें दिया हुआ है, एक राउंड बना है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाता है दोस्तों फैन। आपको महंगा मिल जाता है, अगर आपको नॉर्मल फैन लेना है तो वो भी आपको मिल जाएंगे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ। ये आपको 2500 से 2900 तक ये फैन आपको मिलेगा, तो आपको इसको परचेस करना है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपको ये क्रॉम्पटन के एंटी डस्ट फैन के अनबॉक्सिंग आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आपको कुछ सवाल जवाब रहेगा दोस्तों इस फैन के बारे में तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज में आपको आगे भी देखने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मैं वैभव मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, अभी से साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।